नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सीमांत जनपद के दो शिक्षकों हरीश चंद्र पांडे व दीपा खाती का शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। सीमांत जनपद के दो चयनित शिक्षक हरीश चंद्र पांडे, जो राजकीय जूनियर हाईस्कूल मंडप में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं, और दीपा खाती राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एंचोली में तैनात हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने को लेकर सीमांत के दोनों शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोनों शिक्षकों के चयन पर विभिन्न संगठनों सहित शिक्षक संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चटक धूप खिलने से तापमान में वृद्धि होते जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही वन विभाग ने भी सक्रिय होकर वनाग्नि की रोकथाम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जनपद भर के वन क्षेत्रों में जगह जगह कंट्रोल वार्निंग के साथ ही वन कर्मियों द्वारा चीड़ के जंगल वाले स्थानों पर सड़क के दोनों ओर पिरूल फुकान के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही वन क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद जोशी की अगुवाई में वन आरक्षियों की एक टीम लोगों को आग के खतरे तथा जंगलों को होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करने के साथ ही जानकारी दे रहे हैं। टीम द्वारा लोगों से सहयोग की अपील भी की गई है। जरूरतमंद व गरीब बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरो पहाड़ ट्रस्ट द्वारा पुस्तक दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरो पहाड़ द्वारा बीते वर्ष भी पुस्तक दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी लोगों द्वारा काफ़ी सराहना भी की गई। ट्रस्ट के मयूख भट्ट ने बताया कि वर्तमान शिक्षण सत्र समाप्ति की ओर है और नया शुरू हो रहा है। इस दौरान गरीब व जरूरतमंद परिवारों को पुस्तकों के रूप में वित्तीय राहत के तौर पर बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। पुस्तक दान कार्यक्रम में लोगों द्वारा बच्चों की पुस्तकें दान की जाती हैं, जो ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को दी जाती हैं। भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और वे पुस्तकें दान करने पहुँच रहे हैं। मेरो पहाड़ ट्रस्ट ने अपने पालियों की पुस्तकों को जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए मेरो पहाड़ कार्यालय बीड़ में संपर्क करने को कहा है। यहां एनसीसी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बीएमएस परमार द्वारा एनसीसी कैडेट्स को छात्रवृत्ति के चेक दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स अपने जीवन के संघर्ष के दौर में प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ सकें, इसको लेकर एनसीसी द्वारा होनहार कैडेट्स को रिवार्ड दिया जाता है। एनसीसी की विभिन्न क्षेत्रों में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राय का देवलथल ने बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने बताया कि कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बीएमएस परमार द्वारा सीडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति के रूप में विभिन्न विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को चेक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल परमार द्वारा बेस्ट कैडेट्स को भी चेक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सूबेदार मेजर गंगा सिंह, ट्रेनिंग जेसीओ भूपेंद्र सिंह, बीएचएस पूरन सिंह, रायका देवथल प्रधानाचार्य व एनसीसी अधिकारी केएस धामी, प्रमोद जोशी, अमन कुमार, अमित चंद, ललित, हरीश कुमार, कैलाश आदि उपस्थित थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिले भर में गरीब जरूरतमंदों को कपड़े सहित अन्य सामान उपलब्ध कराने को लेकर नेकी की दीवार टीम लगातार प्रयासरत है। टीम द्वारा यहां जिला महिला चिकित्सालय में छोटे बच्चों माताओं को गर्म कपड़े वितरित किए गए, जिसको लेकर मरीजों सहित चिकित्सालय कर्मियों द्वारा टीम का आभार व्यक्त किया गया है। नेकी की दीवार के संयोजक सुशील खत्री ने बताया कि जरूरतमंदों व गरीबों को कपड़ों सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर उनकी पूरी टीम बीते 9 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत जिला महिला चिकित्सालय में टीम द्वारा गर्म कपड़े, टोपी, मोजे, खिलौने आदि वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा दवाएं, कंबल सहित अन्य सामग्री भी वितरित की जाती रही है। इस दौरान संयोजक खत्री ने सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की है। इस अवसर पर राकेश वर्मा, नरेंद्र ग्वाल, कैलाश खड़ायत, राहुल खत्री, दीपक बिष्ट, शशांक उपाध्याय, आजाद आदि मौजूद थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।